बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के तेवर नरम पड़ गए हैं। रामचरितमानस को लेकर दिए गए अपने विवादित बयानों के बाद पहले वो बैकफुट पर आ गए और अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक पर भी वो उसी नरमी से पेश आ रहे हैं। जानते हैं कि क्या है चंद्रशेखर के नए रूप के सियासी मायने। नमस्कार, मैं हूं मैत्री और स्वागत है आपका TV9 बिहार झारखंड में। बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच तनातनी अब कम हो गई है। शिक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा कि के पाठक अच्छा काम कर रहे हैं और उनकी मेहनत को नकारा नहीं जा सकता। आपको बता दें कि शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्री ने सार्वजनिक मंच से के पाठक को संभल कर काम करने की नसीहत दी थी। इसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई थी कि दोनों के बीच सब ठीक नहीं है। हाल ही में हिंदी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस में पोटेशियम साइनाइड है, जब तक ये रहेगा तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। इसके बाद एक कार्यक्रम में शामिल होने सीतामढ़ी पहुंचे, जहां वो अपनी बात से पलट गए। अब मैं यहां आया हूं शिक्षा के मंदिर में, मैं जब बोला हूं तो उस बात को आप सुने हैं। मेरा ये कहना है कि मैं कहां हूं कॉलेज में कि जी कॉलेज में है जी, एकेडमिशियंस की के बीच आए हैं, शैक्षणिक वातावरण में शिक्षा का काम करने आए हैं। आप जिस तरह का सवाल कर रहे हैं, मुझे पता है गोदी मीडिया क्या चलाना चाहती है। मुझे पता है कि एक तरह से कॉरपोरेट घरानों के हाथ में बिकी हुई मीडिया क्या चलाना चाहती है। इसलिए आपके पास कुछ बोलने से रहा। मैं कब भगवान का खिलाफ हो गया? मैं कब ईश्वर का खिलाफ हो गया? कहीं वक्तव्य में देखिए मैं भगवान और ईश्वर का खिलाफ हूँ? मुझे बता दीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूँ। लेकिन मेरी बात समझिए ना, मेरी बात समझिए कि मैं अगर कहीं भगवान और ईश्वर के खिलाफ बोला हूँ तो मुझे एक विजुअल दिखा दीजिए तो सही। शिक्षा मंत्री का ये बदला हुआ तेवर जब से दिखा है तब से सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि इस बार उनके बयान के चलते लालू यादव ने उन्हें लताड़ा है। खैर, कारण कुछ भी हो, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का ये बदला अंदाज फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।